Hello students, how are you? Myself Abhik Roy from the Mathematics Channel, your mathematics teacher. So today I am here for discussing about the set concepts for class 11, and I think already we had uploaded one lecture from the set relation and function concepts. Okay. So today we will discuss some important concepts regarding the set and the different operations in between the two sets. And which are very, very important. And just in the first class, we had discussed the different structures and the pattern of the sets and some collection of the objects, well-defined objects, etc., etc., etc. Okay. Today, हम लोग कुछ operations discuss करेंगे. Operation between the sets. ऑपरेशंस बिटवीन द सेट्स, ठीक है. तो इस ऑपरेशन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है पूरा रिलेशन फंक्शन एंड द अदर चैप्टर्स आल्सो. ओके, पूरा कैलकुलस एंड दिस प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इन एवरी चैप्टर यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट्स. नो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन द सेट्स. ओके, तो जस्ट ये आप लोगों को ये लेक्चर जो है पूरा अटेंटिवली पूरा देखना है, एकदम फर्स्ट टू लास्ट तक पूरा देखना है, सो दैट यू कैन अचीव, यू कैन एक्यूर मोर एंड मोर नॉलेज रिगार्डिंग द सेट्स ऑपरेशंस. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले सेट्स ऑपरेशंस करने से पहले हम लोग को कुछ चीजें जान लेना है कि कुछ साइंस यूज होता है, ठीक है, सेट्स में. वो साइंस के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर जाने, ठीक है, पहले. फिर उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे. ओके, जैसे साइंस लिखो, ये होता है यूनियन, ठीक है, ये होता है क्या, यूनियन. फिर ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन. इस साइन को बोला जाता है इंटरसेक्शन. ओके, फिर उसको बोला जाता है ये क्रॉस, क्रॉस. फिर ये माइनस, नॉर्मल जो माइनस होता है. फिर उसके बाद जैसे बिलोंग्स टू, ठीक है. फिर उसके बाद ये सबसेट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट, ठीक है. फिर ये क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट. फिर डैश मीन्स है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. फिर ये सच दैट, सच दैट, सच दैट, ये एक साइन होता है, ठीक है. फिर सच दैट गया, बस यही है, यही यहाँ पर कुछ साइंस हैं जो डिफरेंट सेट्स ऑपरेशंस में यूज होगा, ठीक है. अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हेडिंग दो, यूनियन, यूनियन बिटवीन, यूनियन बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स, ठीक है. दो सेट्स के बीच यूनियन कैसे निकालते हैं, ठीक है. अच्छा, दो सेट दिया जाएगा, दो सेट तुम्हें दिया जाएगा, कुछ भी हो सेट, कुछ भी हो, ठीक है. तो ले लेते हैं लेट यू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ओके, एंड बी इक्वल्स टू 3 4 6 7, just like that. अगर आपको If you will be asked to find the union between two sets, then you need to write just like that: A union B, just like that. That means you are finding the union between two sets. अगर आप यूनियन निकाल रहे हैं दो सेट्स के बीच, ठीक है, तो जैसे जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने एलसीएम निकाला था। एलसीएम का मतलब क्या होता है? जैसे दो नंबर्स के बीच जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर्स होता है, वो तो रह जाएगा, साथ साथ में अनकॉमन फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही से ए यूनियन बी केस भी कुछ एलसीएम की तरह ही है, ठीक है। कुछ उस पार्ट में दो सेट्स के बीच आप लोग देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, व्हिच आर द कॉमन एलिमेंट्स, इंक्लूडिंग द कॉमन एलिमेंट्स, ऑल द अनकॉमन एलिमेंट्स विल बी कंप्राइज्ड इन द यूनियन सेट्स। ओके, तो ए और बी सेट में सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है। 3 3 4 4, बस ये दो एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है, बाकी तो अनकॉमन। तो सीरियल वाइज सीरियली आपको लिख देना है, जैसे 1 अनकॉमन एलिमेंट है, 2 अनकॉमन एलिमेंट है, 3 कॉमन एलिमेंट है, 4 कॉमन एलिमेंट है, 5 अनकॉमन एलिमेंट है, 6 अनकॉमन एंड देन 7, ठीक है। वेरी सिंपल, जस्ट यू कैन सी। हाँ, और यही सेट को, यही ए यूनियन बी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, सेट बिल्डर मतलब क्या है, वो एक्स एक्स सच दैट वो लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक्स सच दैट कैसे लिखेंगे यहाँ पर 1 < x < 7। कैन आई राइट दिस लाइन? ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, मुझे तो लगता है ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है यूनियन बिटवीन टू सेट्स। दैट मींस दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन फाइंड द यूनियन बिटवीन टू सेट्स। ओके, नाउ द सेकंड कांसेप्ट इज इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। अब दो सेट्स के बीच इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन तो हम लोगों ने निकाल दिया है, तो इंटरसेक्शन होता है दो सेट्स के बीच, ये सेम सेट ही ले लेते हैं। लेट क्या है, सेम सेट ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, और बी सेट क्या है? 3 4 6 7। अब नाउ यू आर फाइंडिंग A intersection B. That means you need to find the common elements only between two sets. सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट्स देखना है, अनकॉमन एलिमेंट्स के मतलब उधर आपको देखना नहीं है। तो नाउ यू कैन सी द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दिस A and B sets are 3 and 4. So just only 3 and 4 will come for this intersection part. So intersection B equals to what? B, 4. Very simple. तो यूनियन मतलब क्या होता है? कॉमन प्लस अनकॉमन मिला के सब यहाँ पर आ जाएगा यूनियन में। और इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही इंटरसेक्शन में आएगा। Other than that, no other elements will come from this intersection between two. ठीक है? तो भाइयों बहनों मित्रों, ठीक है, अब करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, मतलब तीसरा कॉन्सेप्ट में जाते हैं। क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू सेट्स है। मल्टीप्लिकेशन सब ऑपरेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू सेट्स, अरे यही सेट ले लेते हैं, क्यों बार बार नया सेट लेना है, यही ले लेते हैं। क्या क्या है? 1 2 3 4 एंड 5, और बी सेट क्या है? 3 4 सिक्स सेवन, दैट मींस ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, ठीक है। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको निकालने के लिए एक थोड़ा ड्राइंग करना पड़ेगा, ड्रॉ आर्ट आर्ट करना पड़ेगा। हाँ मतलब वो आर्ट मतलब वो वाला आर्ट नहीं, पूरा यहाँ पर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक अंडा लो, अंडा दैट मींस योर आर्ट, ठीक है। ये है दूसरा अंडा, ये है दूसरा अंडा। एक फर्स्ट अंडे का नाम है ए, दूसरे अंडे का नाम है बी। जैसे कि एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर दैट व्हेनेवर you are actually expressing whenever just you are discussing the sets operations or the sets property using the diagrams, okay, then the set is always denoted by this anda, okay, always ऐसे ही अंडे में के अंदर एलिमेंट्स रखना है और ये अंडा जो है एक एक सेट को मतलब डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट क्या है, यहाँ पर एसेट होगा 1 2 3 4 5 और इधर 3 4 6 एंड 7। वाह कितना सुंदर है। अब मुझे ए सेट और बी सेट के बीच क्रॉस निकालना है। अब नॉर्मल मैथमेटिक्स में नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता था, नॉर्मल क्वेश्चंस में ए और बी के बीच मतलब अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है तो 3 2 6, 5 2 10, 4 2 8, 6 2 12 ऐसे हम लोग लिखते थे। वी यूज्ड टू राइट लाइक दिस, बट हियर द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द सेट्स आई थिंक यू शुड नॉट यूज दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, ओके, बट just you should write this elements in such a way that this elements is about to be multiplied, okay, मतलब multiply होगा ऐसा सिचुएशन है, बट नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं उसको, मतलब जैसे ये जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ 3 भी मल्टीप्लाई होगा, सोच लो सोचने में क्या जाता है। ये इसके साथ 4 भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 6 भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 7 भी मल्टीप्लाई होगा, होगा ना, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है बट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसको लिखने का स्टाइल कैसा है थोड़ा देखिए। तो ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बट ऐसे रखेंगे कि मल्टीप्लाई देखिए समझ में आ जाए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई, दैट मींस उसको लिखने का स्टाइल 1 3, बस ऐसे लिखते हैं, बस मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस तुम्हें ऐसे लिखना है, ठीक है। कॉमा, फिर 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई, 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई, लो ये दूसरा है, फिर 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई, लो ये तीसरा है, फिर 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई, लो नेक्स्ट हो गया 1। अब 2 में आओ, 2 3 2 4 2 6 एंड 2 7, ठीक है नहीं। तो दैट मींस 2 3, फिर 2 4, फिर 2 6 एंड 2 7, ठीक है। फिर 3 3 3 6 सॉरी 3 4 3 6 3 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है 3 3 then 3 4 then 3 5 3, अरे 5 कहाँ से आ गया, 5 नहीं है, 5 नहीं है, अरे 5 नहीं है, 5 6 और ये 7, बस हो गया, ठीक है। फिर 4 में आओ, 4 में आओ, ऐसे ही तो चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, चलते ही जाना है, ठीक है। 4 3 then 4 4 then 4, क्या है ये ड्रॉ करो 4 3 4 4 4 6 एंड 4 7। कितना सुंदर, देखो डिजाइन कितना सुंदर हो रहा है ना। 4 6 ठीक है, और ये 4 7, बस 4 गया। अब 5 में आ जाओ तो क्या होगा, 5 3 5 4 5 6 and 5 7। लो हो गया सब कंप्लीट। तो ये भी ड्रॉ कर लो, 5 3 5 4 5 6 and 5 7। और एरो हर एक का इस तरफ होगा। दैट मीन्स ये जितना सारा बॉन्डिंग अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स के बीच कुछ ना कुछ बॉन्डिंग तो बन रहा है ना। तो बॉन्डिंग है दैट मीन्स यहाँ पर आपको थोड़ा एरो डायग्राम ऐसे एरो आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये एरो वेरो ये मतलब एरो क्यों देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट देखो, हर एक देखिए हर एक मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट जो है ना फर्स्ट सेट में होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट, फर्स्ट सेट सेकंड सेट, फर्स्ट सेट सेकंड सेट। दैट मींस फर्स्ट सेट के तरफ सेकंड सेट के तरफ जा रहा है, तो दैट मींस एरो का डायरेक्शन कैसा होगा, फर्स्ट सेट मतलब ए, सेकंड सेट मतलब बी, तो ए सेट से बी सेट की तरफ जा रहा है। दैट मींस एरो का डायरेक्शन ए से बी की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एरो डायग्राम दिया गया। मतलब यही मतलब समझाने के लिए एग्जामिनर हो सकते हैं आंखों से कम देख सकते हैं, या फिर उम्र ज्यादा हो गया, या फिर हो सकता है डिफरेंट थिंग्स आते हैं। तो एरो डायग्राम देने से क्या होता है, उन लोगों को मतलब एक परफेक्टली समझ में आ जाता है कि नहीं ये जो एरो है ये यहाँ से वहां पर जा रहा है, बस ठीक है। तो ये होता है क्रॉस product between two cells. That means this is the way by which you can find the product between the two cells. यहाँ पर product मतलब that means you should not multiply the elements here. Okay, just you need to write like that. Okay. और अगर यही A cross B, that means यही cross set को अगर मैं यहाँ पर देखो A cross B, ए क्रॉस बी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, सेट बिल्डर फॉर्म ये तो टेबुलर फॉर्म है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना ये हर एक एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं एक्चुअली। ओके, जैसे नॉर्मल सेट में ये सब एलिमेंट्स होता है ना, 1 2 3 4 5 दीज आर ऑल एलिमेंट्स। तो क्रॉस में एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ठीक है, हर एक एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर मतलब यहाँ पर आप बोलिए ये जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है देखने में कैसा लग रहा है, ये एलिमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहा है देखने में कैसा लग रहा है, दैट मींस एक पेयर पेयर लग रहा है ना, कि दो मिलके एक एलिमेंट, दो मिलके एक एलिमेंट, दो मिलके एक एलिमेंट सॉरी। तो यहाँ पर दो दो मिलके एक एक एलिमेंट बना रहा है, दो मिलके दो टू क्या बोलते हैं, पेयर पेयर, ठीक है ना। तो ये पेयर वर्ड तो बहुत जगह यूज होता है, दो लोगों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मम्मी पापा का पेयर, दोस्त का पेयर, एवरीवेयर दिस पेयर 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 वर्ड सुनाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलिमेंट्स का पेयर, नंबर्स का पेयर, ठीक है। तो हर जगह जो है ना ये पेयर 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 दिखाई दे रहा है आपको, देखो हर एक एलिमेंट में दो दो करके एलिमेंट इन्वॉल्व है। सो दैट मींस ये जो है ना ये हर एक एलिमेंट्स को बोला जाता है पेयर, ठीक है, डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर कैसे लिख सकते हैं, देखो एक ब्रैकेट देंगे, पेयर को लिखने का स्टाइल फर्स्ट ब्रैकेट 1 कॉमा 3। अब हर एक चीज का तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिक स्टाइल होता है ना। जैसे आप अगर सलमान खान को बोलेंगे कि लुंगी पहन के आ जाए तो कैसा लगेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हर एक इंसान का एक अलग अलग पैटर्न होता है, अलग स्टाइल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हर एक चीज का हर एक कॉन्सेप्ट का एक अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे ये पेयर को लिखने का स्टाइल है कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट देखो हर एक एलिमेंट्स में फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो मैं भी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट ब्रैकेट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी सच दैट। तो हर एक एलिमेंट में देखिए ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है ए, ये होता है बी। हर एक पेयर में देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ए लिखेंगे और जो सेकंड एलिमेंट है उसको बी लिखेंगे। अब लोगों सर ए और बी क्यों लिखूं? मत लिखो भाई, पी और क्यू लिख लो, कुछ भी लिख लो है तो मतलब ये स्टैंडर्ड लगता है। ए बी मतलब देखने में बहुत मतलब स्टैंडर्ड लगता है और कुछ नहीं है यहाँ पर, और कुछ नहीं कि ऐसा ए और बी ही आपको यूज करना है, ऐसा कोई रूल्स तो है नहीं। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ए बी के जगह पी क्यू आर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ ये जो हर एक ऑर्डर पेयर में हर एक मतलब जो पेयर्स दिखाई दे रहा है, पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने ए लिया है और जो सेकंड एलिमेंट है उसको मैंने बी लिया है। अब आप मुझे बोलिए ये जो पेयर्स हर एक पेयर्स में देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है, इज इट एक्चुअली बिलोंग टू एक्चुअली द फर्स्ट सेट, और सेकंड एलिमेंट जो होता है ना Is it belonging to the second set? मुझे तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हर एक पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलवेज फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है ना हर एक पेयर में वो सेकंड सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए होता है, ये कहाँ पर बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट जो होता है ना वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। बस हो गया कंप्लीट। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म, और ये होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे ही आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना, यही होता है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बिटवीन द टू सेट्स। ठीक है, अभी हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट हाँ तो सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू सेट्स। सब्सट्रैक्शन बिटवीन, अच्छा ये रहने दो, सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू सेट्स। यहाँ पर लिखो सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू सेट्स, ये ए होता है और ये बी है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर ए माइनस बी निकालना चाहूं, ए माइनस बी क्या होगा रे भाई, ए माइनस बी अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं आप लोग? जब माइनस दैट मीन सब्सट्रैक्शन निकाल रहे हैं दो सेट्स के बीच, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। I think this 3 and 4 are the common elements. ठीक है ना, तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं किस तरह से सुनिएगा मैं क्या बताऊं, ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के उसको निकाल दो अंदर से। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के जो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा दैट मींस ए सेट, ए सेट में जो बिलोंग करेगा वही होता है ए माइनस बी का आंसर। अब लोगों सर ए सेट में एक्स्ट्रा जो है वो मुझे क्यों देखना है, बी सेट ने क्या अपराध किया है? मैं बोल रहा हूँ आपको, नॉर्मली जब हम लोग माइनस करते हैं, हाँ नॉर्मली जब माइनस करते हैं तब बड़ा नंबर सामने रखते हैं, छोटा नंबर पीछे रखते हैं, ये तो जस्ट नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जब ए माइनस बी निकाल रहे हैं आप, तो आपको जस्ट यू शुड कंसिडर दिस ए सेट as the greater set and B set is as the smaller set. तो इसलिए आपको A set में देखना है जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो क्या है, कॉमन को छोड़ के, कॉमन एलिमेंट छोड़ के। दैट मींस हियर द कॉमन एलिमेंट्स आर 3, 4। दैट मींस ये 3, 4 को छोड़ दो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 3, 4 को छोड़ दो। छोड़ के A set में जो एलिमेंट्स हैं बाकी है दैट मींस 1 to 5, ये होगा a माइनस बी का आंसर। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो ये फर्स्ट में a लिखा रहेगा ना, तो आपको a सेट से ढूंढना है एक्स्ट्रा एलिमेंट, और b माइनस a अगर आप निकाल रहे हैं, b माइनस a, तब आपको कहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट ढूंढना है? ये देखिए b सेट में। डिफरेंस फर्स्ट यहाँ पर बी सेट है, इसलिए आपको बी में जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा 6, समझ में आया मैंने क्या बोला? डिफरेंस यहाँ पर अगर आप जस्ट यू आर फाइंडिंग द minus between two sets, then you need to figure out the common elements first and then accept the common elements, whatever the elements are left in the first set, that will be the answer of the minus. Okay, first set means according to the structure, if you want to find a minus b, then the first set is a. If you want to find b minus a, then the first set is b. Okay, तो ऐसे ही आपको ये चार ऑपरेशंस हैं सेट्स में, मेनली ये चार ऑपरेशन ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये चार ऑपरेशन हैं, दीज आर ऑल सिंबल्स। ओके, और ऑपरेशन मेनली ये चार होता है, चार के अलावा और कोई ऑपरेशन नहीं होता है। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, क्रॉस हो गया एंड देन माइनस हो गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर डिपेंड करके अब डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं। ठीक है, आप लोग पहले ये ऑपरेशंस जो है ना, इसको ठीक तरह से दिमाग के अंदर उसको घुसाइए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। उसमें हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस, हाँ ये जो एग्जांपल्स किया है ना, उसका थोड़ा एडवांस प्रोसेस में जाएंगे। डिफरेंट सेट्स दिया जाएगा, उसके बीच आपको यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय क्लासेस। बाय एंड जय हिंद।